जाएगा देखिए। साड़ी वाला है क्या? तभी तो तुम खाली कर दिए हो। रेडी। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी देखिए मेरे खिड़की की, मतलब पीछे वाली जो खिड़की है वहाँ से काफ़ी अच्छी रोशनी आ रही है, क्योंकि अब मौसम भी अच्छा होने लगा है। हाँ, थोड़ा सा ठंडा इस समय हो गया था, बारिश हो रही थी ना, इसकी वजह से। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बजने वाले हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और ये घड़ी जो है ना, थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लग रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर था, यहाँ जो था, आप लोगों ने कई वीडियो में देखा होगा इस घड़ी को, वॉच को, रील्स भी इस घड़ी पे बनाया है मैंने। तो ये टूट गया है, बच्चों से गिर के दो बार टूटा, तो दोनों बार में आधा आधा करके निकल गया सारा चीज़। तो अभी इसको चेंज भी करना है, देखते हैं जिस दिन मार्केट जाएंगे नया ले आएंगे खरीद के। और आज हम लोग जा रहे हैं देवरानी जेठानी मिल के पापड़ बनाने, तो आज किस चीज़ का पापड़ बनाएंगे और वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, जो भी जैसे भी होगा तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी केवल चाय पी हूँ गाइस, चाय। अभी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि सुबह वाला तो झाड़ू पोछा वाला टाइम रहता ही है। तो ये भी आ गए हैं अभी उठ के, अभी अभी उठे हैं, 10 बज रहा है गाइस, सोच लीजिए अभी उठे हैं। तो क्या चाहिए? चाय चाहिए? बोलते नहीं है, आप लोग सोचते होंगे कि ये बोलते ही नहीं, बहुत बोलते हैं, मुझे डांटते भी हैं बहुत ज़्यादा। जो लोग इनको जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे। गाइस मैं झूठ बोल रही है, आप लोग देख लीजिए। काम कर रही तो काम कर रहे हम। तो यहाँ पे आलू वाला जो पापड़ होता है ना, वो बनने जा रहा है। तो अभी मैं खाली नहीं, थोड़ा सा साफ सफाई कर रही हूँ, झाड़ू पोछा वाला काम। तो अभी स्टार्टिंग वाला ये काम ये लोग कर रही हैं, बाकी बनवाने वाला काम अभी करवा लूँगी मैं। जाइए वहाँ भी चावल पकड़ा है, चावल पकड़ा है। दिखाओ अपना फेस, कौन है ये? ये लड़की कौन है दिखाओ? इनका लिबास बदला हुआ है गाइस। अभी मैं दिखाती हूँ किचन में भी क्या पक रहा है। हाँ, ये चावल वाला जो सेव होता है ना, हमारे यहाँ बनता है, जो बनाता है उसको पता होगा गाइस। तो इसमें और पानी लगेगा जी, इसमें पानी लगेगा थोड़ा सा। आज और आज खाने में बनाए गाइस ये आलू, आलू और टमाटर की सब्जी, चावल बनाए, और ये मूली और आलू की सब्जी बनी है रसेदार, जो कि ये पापा को ज़्यादा पसंद है, पापा जी खाएंगे हमारे। आप लोग बोलते हो गए मन में कि पापा जी हमेशा लगाए रहती है जब देखो तो। तो यहाँ पे दाल भी बना, हमेशा पापा जी लगाए रहती है, तब किस कर रहे हैं घर के पापा भी देखते हैं? नहीं, इस समय नहीं देख रहे हैं ब्लॉग, मोबाइल देखने के लिए उनके पास नहीं, अब टाइम नहीं है, टाइम वीडियो नहीं आता है, कोई वो मोबाइल नहीं आता है। तो अभी इनको खाना देने जा रहे हैं चावल और ये सब्जी। तो क्या है ना कि इनको मटर और आलू की सब्जी, सॉरी टमाटर और आलू की सब्जी नहीं खाते हैं ज़्यादातर, इसमें उनको पसंद नहीं है। तो अभी दे देते हैं आलू और मूली और चावल रोटी। लीजिए खाइए, चम्मच चाहिए इनको, चम्मच गाइस। छोटा हाथी हो, छोटा हाथी आज थोड़ा गुड़ खा गया, पानी कम हो गया। अरे डालो पानी, तो आ जाएगा ना, ले लेगा। आज ज्यादा तो नहीं डालती, अब आइए नहीं डाली। अब बताए आप खा लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सारा आलू मैंने, मैं क्या बन रहा है? हाँ, क्या बन रहा है? आलू का पापड़ बना रहे हैं, और क्या बन रहा है? तो यहाँ पे ना सारा चीज़ मैश कर लिया है, मतलब सारा आलू जितना था आप लोगों को दिखाया था। तो इसमें क्या बोलते हैं, लाल मिर्ची पाउडर कूटा हुआ होना चाहिए, जीरा और नमक। ये अरे यार नॉर्मली है, ये तो सबको पता है आलू का पापड़ कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे मैश करके पूरा मिला के रख दूँगी अभी, फिर उसके बाद
तो गाइज यहाँ पे देखिए चावल का जो है ना माँ अच्छे से पक गया है। अब क्या है इसमें कलर डालना था, दिखाते हैं। यहाँ पे आधा ज़्यादा बन गया है गाइस, दिख गया जो दिख गया। स्पीड वाला लगाना, थोड़ा मज़ा आता है, जल्दी जल्दी काम होता है। अरे फटा जा रहा है, फट गया जी। कौन वाली पन्नी दिए रहे हो तुम लोग, दूसरा पन्नी नहीं है। बने तीनों महाशय चुपचाप देख रहे हैं, ये नहीं कि आके बनवा ले। कैसे कांप रहे हैं देखो, कांप रहे हैं जैसे। ओए चुन्नू मुन्नू, वो अंदर चली गई। चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू, आलू वाला पापड़ हम लोग का हो गया है। अब जा रहा है जलेबी छन्ने गाइस, जलेबी बनेगा ना। आप लोग ऐसी वाली पॉलीथीन में, पापड़ का है, रिफाइन का है, ऐसी पॉलीथीन में आप लोग बनाओगे ना तो बहुत ही अच्छा जलेबी बनेगा। तो अभी हम भी आ गए हैं, कपड़ा धुलने चले गए थे और ये बहुत गर्म था इसलिए हम चले गए थे नीचे। तो चलिए जल्दी से बनवा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं जाके नहाऊंगी। हैं क्या बोल रही हो, नहाऊंगी वीडियो बनना चाहिए। हो गया, यही लोग आ रहे बनाएंगे। खत्म हो गया मेरा, ना दिखा बाबू अच्छा नहीं बता। किसका अच्छा है, मेरा अच्छा है कि इन लोग का अच्छा है? किसका? इन लोग का। तुम तो एबीसीडी वाला खाओगे ना, एबीसीडी बन रहा है, दिखा दो एबीसीडी बन रहा है। मैं अपने लिए, तुम्हारी चाची एबीसीडी बना रही है, अपने लिए बना रही है। भैया चाचा खिलाएगी, पढ़ा पढ़ा के पढ़ा पढ़ा के डंडा रखे, एक डंडा बना लूंगी मैं। देखिए नीतू एबीसीडी लिख रही है, एबीसीडी भी प्लस 1 2। वाह। तो सो गाइस अभी बज रहे हैं 9:30 और इससे पहले मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि छत से आने के बाद पापड़ इतना ज़्यादा बन गया था, धूप भी ज़्यादा हो गया था वहाँ से। तो फिर बर्तन वगैरह धुल के नहाना था, नहाया, फिर उसके बाद नहा के खाना खाने के बाद मैं चली गई थी सीधा अपने मम्मी के पास, मतलब मायके चली गई थी। मायका मेरे पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो बस मुश्किल से 15-20 मिनट का रास्ता है। तो चले गए थे क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए देखने गए थे, पर हाँ अभी सही है। लेकिन इससे पहले गए थे तो मैंने कोई ब्लॉग वहाँ का नहीं बनाया क्योंकि ज़्यादा दिक्कत थी उनको ना, तो अभी ठीक है। तो मन को भी सुकून मिला कि चलो मेरी मम्मी ठीक हो गई हैं, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी। क्योंकि माँ बाप को अगर कुछ हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, चाहे मेरी सासू माँ हो, चाहे पापा जी हो, और चाहे मेरी मम्मी पापा हो, अगर इनको कुछ हो जाता है ना तो घर एकदम से बेकार लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस वहाँ से आने के बाद, वहाँ से आई 7:30 बजे, फिर घर यहाँ भी जो है नीतू खाना बना रही थी अकेले। वैसे तो प्रीति सब्जी बना रही थी पर रोटी बना रही थी, तो मैंने कहा चलो बनवा लेते हैं जल्दी से, दोनों लोग मिलके बनाए। फिर उसके बाद अभी खाली हुई तो मैंने सोचा कि अरे ब्लॉग का एंड भी नहीं किया तो इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।